आम देश में मुख्य फसल हिसाब से धान तलकु गहमर स्थान रही समयानुक्रमे आज भात सहित रुटी को मध्य लोक माने अधिक प्राधान्य देलेनी। देशर उत्तर भाग रे थिबा पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा बिहार भरी राज्य गहम उत्पादन क्षेत्र में आगधाड़ी थिबा बेले आम राज्य स्थिति खूब दुर्बल। गत किछि वर्ष मध्यरे राज्य में गहम उत्पादन जथेष्ट कमिबारे लागिछि। राज्यर चाहिदा को देखि आमको अन्य राज्यरु गहम आमदानी करिबाकु पड़ुछि। उत्पादन हार रे जथेष्ट ह्रास जोगु चाषी मानक मनरे गहम चाष प्रति आग्रह मध्य कमिबारे लागिछि। ता छड़ा पानीपागरे अनियमितता भी एथिपई अनेकांशरे दायी। तेणु भविष्यतरे गहम चाषरु उत्पादन वृद्धि करिबाकु हेले आमको एहार उन्नत चाष कौशल उपरे प्रथमे ध्यान देबाकु पड़िबो। गहम चाष क्षेत्र रे केतेक समस्या एवं तार प्रतिकार संबंध रे तो आगको आहुरी आलोचना करिबा हेले आज आसंत जानिबा गहम चाष संपर्क रे आमर एही विशेष प्रस्तुति को। आम राज्य में गहम चाष आस्ते आस्ते प्रसार करुछि। उठा जलसेचन स्थान मानकरे कुओ पोखरी और केनाल तल मुंडरे एहार चाष आस्ते आस्ते बढ़लाणी। हेले जेउ केतेक विषय रे ध्यान देबाकु पड़िबो आसंतु सेगुडीको विषय रे आलोचना करिबा। जलवायु और मृतिका एहा एक शीतदिनिया फसल होइथिबारु एहा नवंबर मास द्वितीय रु तृतीय सप्ताह मध्य बुणा जाइथाय। एथिपाई 20 रु 25 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा उपयुक्त। उत्ताप जदि अधिक हुए तेबे भल पिलो हुए नाही। पत्ररु दाना को शेतसार जाए नाही। गहम चेमटा और कंठालिया होइ जाए। गहम चाष पाई दोरसा माटी थिबा उच्च और मध्यम जमी उपयुक्त। लुणी और क्षार माटी रे एही फसल भल हुए नाही। बिहन किसम आम राज्यर जलवायु पाई उपयुक्त किसम हैला सोनालिका कनक सागरिका उत्कलिका और यूपी 262। सागरिका एवं उत्कलिका ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय तरफ ओडिशा पाई सृष्टि करा जायछि। सोनालिका किसमटी 100 रु 110 दिन मध्यरे पाचे। एहार दाना बड़ गछ सुखीगले मध्य गहम झड़ी पड़े नाही एवं एहा एकर पिछा 15 रु 18 क्विंटल अमल देथाए। सागरिका किसम बिहनटी 95 रु 105 दिन रे अमल हुए। नड़ा टाण और गछ सोई पड़े नाही। एहार पत्रपोड़ा रोग सहनी शक्ति अछि ओ एकर पिछा 20 क्विंटल अमल मिलिथाए। जमी प्रस्तुति बिहन बुणिबार 8-10 दिन पूर्व जमी प्रस्तुति करंतु। 5-6 ओड़ चाष करी माटी को गुंड करंतु ओ मई दे जमी समतुल करंतु। 2 टन सढ़ा गोबर खत प्रयोग करी उई न लागिया पाई प्रति लिटर पानी रे 5 मिलीलीटर जैविक टेराकल औषध मिसाई माटी रे सिंचन करंतु। गहम बुणिया पाई पट्टी तैयारी करंतु। एहा द्वारा पानी मड़ाइबा ओ निष्कासन सुविधा होइथाय। प्रति 2 पट्टी मझिरे 1 फुट चौड़ार पानी नाली रखिबा दरकार। बिहन परिमाण विशोधन नवंबर मासरे बुणिले एकर प्रति 45 किलोग्राम बिहन आवश्यक होता बेले सामान्य डेरी रे बुणिले 50 किलोग्राम बिहन आवश्यक हुए। अलंध रोगर निराकरण पाई बिहन को 5-6 घंटा पानी रे बुड़ाई रखा परे से सबको पतला भावे 5 घंटा टाण खरारे सुखाइबा दरकार। प्रथमे 1 किलोग्राम बिहन प्रति 2.5 ग्राम बाभिस्टिन गुंड गोलाइबा उचित। एहाद्वारा पत्रजिता रोग और पत्रपड़ा रोगर आक्रमण कम होता है किंतु अन्य रोग पाई प्रति किलोग्राम बिहन सहित 2-3 ग्राम कैप्टन किंबा थीरा भल रूपे गोलाइबा आवश्यक। एठारे मन रखिबाकु हेबो जे गहम बुणिबा पूर्वरु विशोधन करी बुणिबा नितांत आवश्यक। जीवाणु कल्चर रे बिहन को उपचार करी संगे संगे उपरवेला बुणा जायथाय। माटी परीक्षा करी जमीरे सार प्रयोग करंतु। जदि ताहा न करा जाय तबे आभ्यंतरीण जिल्ला मानकरे एकर प्रति 20 किलोग्राम जवक्षारजन 20 किलोग्राम फास्फोरस ओ 16 किलोग्राम पटास प्रयोग करंतु। उपकूलवर्ती जिल्ला मानक पई एहार मात्रा यथाक्रमे 24 किलोग्राम 16 किलोग्राम ओ 12 किलोग्राम। जमी प्रस्तुति समय रे समस्त फास्फोरस ओ पटास सहित अधा जबक्षर जान प्रयोग करंतु। फसल को 3 सप्ताह होई गले बाकी अधा जबक्षर जान दियंतु। हालुका ओ बालिया माटी रे जबक्षर जान सार को 3 थर रे देबा आवश्यक। बिहन बुणा 2-3 इंच माटी बतरे थिबा अवस्था रे सियार करी
ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ। ଧାଡ଼ି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଲଙ୍ଗଳ ସିଆରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତଃ ଚାଷ ଗଜା ହେବାର 12ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଘାସ ବଛା ସରିଯାଇଥିଲେ ମୁକୁଟ ଚେର ବାହାରିବା ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସିଆର ମଝିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖୁସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 30ରୁ 35 ଦିନ।